हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुड ट्यूटो। आज हम देखेंगे व्यू के बारे में। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि व्यू होता क्या है। व्यू होता है आपका प्रेजेंटेशन पार्ट। जैसे कि जैसे यहाँ पे कंट्रोलर है, उसी तरीके से यहाँ पे एक व्यू फोल्डर है जिसके अंदर हमने वेलकम अंडरस्कोर मैसेज डॉट पी एच पी आप देख रहे होंगे। इसके अंदर क्या है, सारा का सारा एच टी एम एल कोड ही है, अगर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, एच टी एम एल, सी एस एस, सी एस एस डिज़ाइनिंग के लिए होती है और एच टी एम एल आपका कोड है जिस पे सी एस एस अप्लाई की हुई है। क्लियर? अगर नहीं क्लियर है तो अब हम आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैं लोड करवा रहा हूँ पेज, तो कौन सा पेज लोड हो रहा है, जो हमारा व्यू का है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये कंटेंट को हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, और अब इसे करते हैं सेव और यहाँ पे चलते हैं, इसे लोड कराते हैं। देखिए यहाँ पे कितना कंटेंट आ रहा है, सिर्फ दो कंटेंट, वेलकम को टू कोडिंग नाइटर और एक पैराग्राफ। अब ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे हमने हेडिंग दे रखी है और एक डिव के अंदर हमने पैराग्राफ ले रखा है। अब ये जो सी एस एस अप्लाई हो रखी है, जो यहाँ पर हो रखी है डिज़ाइन जिस हिसाब से आ रहा है। ठीक है, इतना पार्ट अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि हम लोग व्यू हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, जो हमारा एच टी एम एल कंटेंट ही होता है जिसको हम सी एस एस के थ्रू डिज़ाइन करते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि व्यू होता क्या है। अब हम व्यू को यूज़ क्यों करते हैं। मान लीजिए अभी आपका जो डेटा है वो आपने रेंडमली ऐसे ही लिख दिया, मतलब जैसे हमने पहले लिखा था कंट्रोलर के अंदर हम गए वेलकम, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये इको करवाई हुई है लाइन, और हम इसको कर देते हैं ब्लैंक। ठीक है, और इसको करते हैं रन, तो इंडेक्स कंट्रोलर रन हो गया। अब यहाँ पे जो वेलकम मैसेज आ रहा है, क्या ये डिज़ाइन फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा। इसको हम डिज़ाइन फॉर्म में चलो मान भी लिया, हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे वेलकम मैसेज आपका हेडिंग में आ भी गया। आप इसका व्यू सोर्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग फॉर्म में आ गया डेटा। मगर इसमें दिक्कत क्या है, हमको सारा का सारा डेटा इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, पूरा एच टी एम एल कंटेंट इको के अंदर डाल के लिखना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, बहुत लेंदी तरीका है और बहुत अनऑर्गेनाइज तरीका है। ऑर्गेनाइज तरीका क्या है, इसको हम यूज़ नहीं करते, इसकी जगह हम यूज़ करते हैं व्यू को। व्यू को यूज़ किया कैसे किया जाता है, व्यू आपका सबसे पहले होता कहाँ है, व्यू फोल्डर के अंदर। उसमें कहाँ पर, आपने व्यू फोल्डर के अंदर जस्ट बना दिया वेलकम मैसेज। अभी हम खुद का व्यू भी बनाना सीखेंगे, सबसे पहले इसी व्यू को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक व्यू बनाया हुआ है जो इसमें सिर्फ और सिर्फ एच टी एम एल कंटेंट आपने यूज़ किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम अपने कंट्रोलर के ऊपर। अब हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से सेव करवाया। ठीक है, ये जो व्यू है हमने यहाँ पे डाला, उसके बाद हमने यहाँ पे लोड करवाया। देखिए कौन सा कंटेंट लोड हो गया, व्यू वाला लोड हो गया। तो आप जब कभी भी आपको कंट्रोलर के थ्रू, कंट्रोलर है हमारा ये वेलकम, इसके थ्रू व्यू को एक्सेस करना है, व्यू को लोड करवाना है, तो आप कैसे लोड करवाएंगे, दिस माइनस का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लोड, फिर माइनस का साइन, फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर व्यू, फिर पैरेंथेसिस ओपन, और डबल कोट्स के अंदर आप अपने व्यू का नाम लिखेंगे। आपके व्यू का नाम देखिए यहाँ पे क्या है, वेलकम अंडरस्कोर मैसेज डॉट पी एच पी आप नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में लगा देता है, यहाँ पे इसकी अपने आप कोडिंग हो रखी है इस व्यू फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब अगर आपको ये कोड क्लियर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दिस क्या है। दिस है इसका ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, इस कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये कह रहा है कि इस कंट्रोलर के अंदर लोड करो व्यू को, कौन से व्यू को, वेलकम अंडरस्कोर मैसेज को। ठीक है, और ये व्यू फोल्डर के अंदर आपका व्यू जाके सर्च करेगा, यहाँ पे व्यू फोल्डर के अंदर जाके सर्च करेगा कि वेलकम मैसेज है, हाँ है, तो इसके अंदर ये जाके इस पूरे पेज को आपकी इस यूआरएल पे लोड करवा देगा। ठीक है, अब मैं यूआरएल के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर लीजिए, मैं लिंक वहाँ पे डालता रहता हूँ। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हम व्यू को लोड कैसे करवा रहे हैं। ठीक है, अब हम व्यू यूज़ क्यों करते हैं, व्यू यूज़ किया जाता है क्योंकि हम किसी को भी डेटा प्रेजेंटेशन फॉर्म में शो करें। ठीक है, इतना ही पार्ट है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हम कस्टम व्यू कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप व्यू फोल्डर पे आइए, व्यू फोल्डर को क्लिक करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, सिलेक्ट कर लिया आपने, फिर राइट क्लिक करिए, न्यू फाइल पे जाइए, यहाँ पे आ जाए,
फिर यहाँ पे व्यू का नाम दीजिए, जैसे व्यू का नाम मैं दे देता हूँ अभी के लिए टेस्ट दे देते हैं हम लोग, टेस्ट डॉट पी एच पी, ठीक है, एंटर, ये ओपन हो गया। यहाँ पे आप अपना एच टी एम एल कंटेंट लिख लीजिए, ठीक है, मैंने शॉर्टकट यूज़ किया है, इसे जेन कोडिंग बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं माय फर्स्ट व्यू, ठीक है। अब अभी के लिए हम लोग यहाँ पे जब लोड कर रहे हैं तो हमारा कौन सा व्यू चल रहा है, वेलकम मैसेज, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा टेस्ट डॉट पी एच पी मतलब टेस्ट व्यू हमारा खुलना चाहिए, तो कैसे खुलेगा देखते हैं। सबसे पहले आप वेलकम कंट्रोलर पे आ जाइए, यहाँ पे एक अलग से URL बनाते हैं हम लोग, जिसको हम बनाते हैं फंक्शन के थ्रू। यहाँ पे नाम दे दीजिए, मैं नाम दे देता हूँ अभी के लिए टेस्ट दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको व्यू लोड कराना है, दिस फिर माइनस ग्रेटर देन लोड अगेन व्यू, ध्यान रखिए व्यू लिखना, व्यूज मत लिखना। डबल कोट्स में हमने व्यू का नाम क्या रखा था, टेस्ट रखा है हमने व्यू का नाम, यहाँ पे टेस्ट लिख दीजिए, सिर्फ टेस्ट डॉट पी एच पी नहीं लिखना है, इसे सेव करिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम रन कर रहे हैं तो अभी के लिए बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज रन हो रहा है, इंडेक्स रन हो रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, सॉरी। फिर यहाँ पे आपको लिखना है इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश वेलकम, जो आपके कंट्रोलर का नाम है, अपने कंट्रोल के नाम के अंदर आपने क्या बनाया है, टेस्ट नाम का URL। अभी से एंटर करिए, देखिए माय फर्स्ट व्यू लोड हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडेक्स, तो कौन सा पेज लोड हो रहा है, आपका ये वाला व्यू लोड हो रहा है, ठीक है, सॉरी ये वाला व्यू लोड हो रहा है, क्लियर। अब अगर मैं इसे हटा भी देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट तो इंडेक्स ही लोड हो रहा है, ठीक है। और अगर हमको अपना कस्टम व्यू बनाना है, लोड करवाना है, तो यहाँ पे अपना कस्टम व्यू दे दें। और अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्स पे ही रन हो, तब इस लाइन को यहाँ से हटा दो, इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको यहाँ पे आप टेस्ट लोड करवा दो, ठीक है। अब ये URL तो एग्जिस्ट करता नहीं है, एंटर मारिए तो आपका क्या कौन सा व्यू लोड हो रहा है, माय फर्स्ट व्यू। अगर आप यहाँ से इसको फिर डिलीट भी कर देंगे तो भी कौन सा रन होगा, माय फर्स्ट व्यू, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर आपका कौन सा सेट, रूट्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं अपना डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर कौन सा सेट है, वेलकम, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंडेक्स डॉट पी एच पी नहीं लिखनी पड़ती है। हम ये इंडेक्स डॉट पी एच पी कैसे हटाते हैं इसको भी देखेंगे आगे चल के, अभी के लिए आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।